आजकल हम देख रहे हैं कि शिवालयों में भक्तों की भीड़ है और देखकर बड़ी प्रसन्नता है। और एक चीज मैं और भी देख रहा हूँ, शिवालय में आज भक्त जाते हैं तो 3 ताली बजा करके वो भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। लेकिन आज ताली बजाने का मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ, उस नियम को बड़ी सावधानी से सुन लीजिएगा, नहीं तो ताली बजाना भी व्यर्थ जाएगा और बल्कि वो दोष भी हो जाए। एक तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि ताली आप प्रातः काल और संध्या काल ही बजाएं, और दूसरी बात, लगातार 3 ताली ना बजाएं, इसको गैप करके बजाएं। गैप का मतलब, आपने 1 ताली बजाई और ताली बजाने के बाद आपने मानसिक रूप से भगवान से कहा, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे आशुतोष भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। फिर दूसरी ताली बजा करके आप अपना दुख उनको सुनाइए, जो भी आपका कष्ट है, जो भी आपके मन की बात है, वो आप उनको सुनाइए। और फिर तीसरी ताली बजा कर कहिए, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे स्वीकार करो, मुझे आप त्यागना नहीं, मुझे आप स्वीकार कर लेना, मुझे आप अपने हृदय से लगा लेना, मुझे आप अपना पुत्र बना लेना। ऐसा भाव रख करके ताली बजाओगे तो महादेव की कृपा होगी, और लगातार 3 ताली बजाना वो उचित नहीं है। आप बजाइए, लेकिन फिर मन की बात भी बतलाइए महादेव को। परम पूज्य देशमुख वशिष्ठ जी महाराज को फॉलो करें।